मोकामा में सुहागिन महिलाओं ने किया हरितालिका तीज व्रत। मोकामा में सुहागिन महिलाओं ने धूमधाम से मनाया तीज का त्यौहार। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को किया। बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। मान्यता है इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा भी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बालकाल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात पर पार्वती जी के माता पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फल प्राप्त हो इकट्ठा कर उस ऋतु में जो मिले उससे मेरा पूजन करे और कहे कि हे शिवे, हे शिव रूप ने आपको मेरा नमस्कार है प्रभु, और प्रसन्ना भक्त पार्वती इस मंत्रों का उच्चारण करे। हे शिवे, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। मुझ दीन की आप रक्षा करो, और इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। इस प्रकार शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर स्त्री प्रांतों एक साथ पूजन करें, फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें, और जो आप लोग अभी संकल्प किए हे देवी, जो स्त्री प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्मों तक उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को अन्न ग्रहण करती है उसका जन्म और वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है, सदा दरिद्री पुत्र शोक और शोकाकुल सौहार्द की लड़ाती दुख भोगने वाली होती है, उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। उस दिन अन्न खाने से सुवरी में जन्म होता है, फल खाने से बंदरिया में, पानी पीने से जोंक में, दूध पीने से सापिन, मांसाहार करने से बाघिन में जन्म होता है, और मिठाई खाने से चीटी में जन्म होता है। उस रोज सोने से अजगरी में, और उस रोज पति को धोखा देने से मुर्गी में जन्म होता है। इसलिए हर स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें और दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दें और पारण करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, सिद्धदाता गणेश की जय, स्वामी श्री कार्तिकेय की जय, गंगा महारानी की जय। वही पंडित राम प्रवेश पांडे ने बताया कि तीज का व्रत क्यों और कब से मनाया जा रहा है। तीज का व्रत राजा हिमांचल की पुत्री माता पार्वती है, और माता पार्वती अपना विवाह शिव जी से करने के निमित्त तपस्या की थी, और उसी तपस्या के अंतर्गत शिव जी वरदान दिए, उसी दिन से यह व्रत तीज व्रत कथा चल। कौन कौन सी महिलाएं मतलब इसमें तीज को कर सकते, कौन कौन महिला? जो सुहागिन है अपना सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए बोले।